जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईक्यू टेस्ट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रमुख रचनाओं के बारे में जो हमारे क्रांतिकारी लिखे हैं अपने बुद्धि विवेक से, और ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ज़्यादा बुकें नहीं हैं, कुछ महत्वपूर्ण ज़्यादा हैं जो बराबर घूम फिर के परीक्षाओं में आते रहते हैं। उन्हीं पुस्तकों के नाम लिखा हूँ यहाँ पर जो आपके परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बड़े मुश्किल से एक दो मिनट लगेगा। तो इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक जो है सुभाष चंद्र बोस जी की है, अभ्युदय जो है मदन मोहन मालवीय जी की है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी तक जितनी तीनों किताबें बताएं। फिर उसके बाद है गीता रहस्य, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, ग्रेट पुस्तक है और आप लोगों के लिए उपयोगी है, और इसको नाम को याद रखिएगा। न्यू इंडिया एनी बेसेंट जी ने लिखा है। फिर आगे है सांग ऑफ इंडिया, इसको लिखा है सरोजनी नायडू ने। फिर द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता जी हैं, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल जी लिखे हैं, बगावत ए हिंद कौन लिखा है तो सैयद अहमद लिखे हैं, इनको सर सैयद अहमद भी कहते हैं, ठीक है। सिपाही इम्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 तो इसको लिखे हैं आरसी मजूमदार, इंडियन मिरर केशव चंद सेन, हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना, ये किताब आप ध्यान में रखिएगा, वार फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस तो वीर सावरकर जी लिखे हैं, और लास्ट पुस्तक है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू तो ये लिखे हैं दुर्गादास जी। तो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम जो हमारे पूर्व क्रांतिकारी लिखे हैं। तो इनको आप अपने दिमाग में रखिए और इनको एक लिस्ट बनाकर लिखिए और बीच बीच में देखते रहिए, फिर कभी परीक्षा में गलती नहीं होगी, आप सही करके और एक नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो एक एक नंबर से 100 नंबर बन जाते हैं, तो इग्नोर मत करिए एक एक क्वेश्चन को, एक एक नंबर को। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।